हथेली में जीवन रेखा और भाग्य रेखा को कई मोटी रेखाएं काटती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही ऐसे लोगों को इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए किस देवी की उपासना करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात तो यह है कि यह है जीवन रेखा और यहीं से निकलेगी भाग्य रेखा। मेरे हाथ में तो बड़ी कमजोर है भाग्य रेखा, इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहीं से निकलती है। ठीक है, अगर कोई रेखा शुक्र पर्वत से या मंगल पर्वत से जाकर के इन दोनों रेखाओं को काट रही है, ये शुक्र पर्वत है, देखिए अंगूठे के नीचे वाला भाग, और ये अंगूठे के ऊपर और बृहस्पति पर्वत के नीचे का ये जो भाग है, ये मंगल का स्थान है। तो यहाँ से कोई रेखा निकली और इसने जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों को काट दिया, और वो मोटी रेखा है, गहरी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति के काम में हर तरह की रुकावट आती है। कदम कदम पर ऐसे लोग परेशानी का सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से लाभ मिलता है। लेकिन अगर कहिए कि एक दिन में दुनिया बदल जाती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, श्री सुक्तम और कलंक धारा स्त्रोत का लगातार उस घर में कुंवारी लड़कियाँ या सुहागन महिलाएँ अगर 3 साल तक बोल बोल करके पाठ करें घी का दिया जला करके, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे घर के दरिद्र का दहन हो सकता है, दरिद्र जल सकता है और घर में खुशियाँ आ सकती हैं, बशर्ते इस मंत्र को कोई कुंवारी कन्या करे या कोई सुहागन महिला करे और घी का दिया जला करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने बोल बोल कर पाठ करें श्री सुक्तम और कनकधारा स्त्रोत का। आप विश्वास करिए, जिस दिन 3 साल पूरे होंगे, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं होगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी उस परिवार का, और उस परिवार का रुतबा, उस परिवार का मान सम्मान सदा सर्वदा के लिए महालक्ष्मी सुरक्षित रखेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी।